नमस्कार एवरीवन आई एम हरप्रीत कौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्रोग्राम यू आर वाचिंग एस ऑन ई विद्या चैनल नंबर नाइन जी हाँ और आज हमारे इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास नाइन के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट है सोशल साइंस ज्योग्राफी टू बी प्रोसाइज एंड द टॉपिक इज ड्रेनेज और आज इस सेशन में हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट वी हैव विद अस मिस्टर रोहित पाटीदार हु इज टीजीटी सोशल साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में थैंक यू मैम जी तो व्यूअर्स अगर आप हमारे एक्सपर्ट से कुछ भी पूछना चाहते हैं आपकी कोई क्वेरीज हैं कोई ईमेल आप हमें भेजना चाहते हैं तो आपके पास दोनों ही मोड्स हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर ज़ीरो डबल फाइव नाइन पर और हमारा ईमेल आईडी है डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट इन और इससे पहले कि हम अपना सेशन शुरू करें We have a very important announcement to make and uh, as you all know that we are proud of the fact that India has assumed G20 presidency and will convene the G20 leaders summit for the first time in the country in 2023. India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all while manifesting the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one big family. एंड ऑन दिसन टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ दिस इज ड्रेनेज और uh, सब सब, you know, सब पहले मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगी कि आखिर ड्रेनेज है क्या क्या है आज का टॉपिक मैम जैसे कि मैं आपने बता ही दिया है कि आपका आज का टॉपिक ड्रेनेज है जी. तो मैं बताना चाहूँगा पहले मैं कुछ टर्म्स uh, को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा बच्चों के साथ में ड्रेनेज एक्चुअल में ड्रेनेज इज द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया जब मैं रिवर सिस्टम बोल रहा हूँ तो आपको यह बात जाननी है कि रिवर और रिवर सिस्टम में अंतर होता है देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यह मैंने आपको एक रिवर बना के दिखाया है दिस इज अ रिवर एक रिवर यहां से आती है और इसको मिलती है यहां से दूसरी रिवर आती है वो इसको मिलती है दीज आर ट्रिब्यूटरीज जब किसी एक मेन रिवर से कोई छोटी रिवर आकर मिलती है तो वो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है साथ में अगर इसी रिवर से कोई एक रिवर बाहर निकल रही है

अब आगे हम पढ़ेंगे ड्रेनेज बेसिन अब ड्रेनेज बेसिन क्या होता है ड्रेनेज बेसिन इज द एरिया ड्रेनड बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम एक सिंगल रिवर सिस्टम किस किस एरिया में अपना पानी दे रहा है एक रिवर है वो कहीं से फ्लो कर रही साथ आ, है साथ में ट्रिब्यूटरीज है साथ में डिस्ट्रीब्यूटरीज है ये जहां से फ्लो कर रही है और जहां जहां इनका पानी जा रहा है जहां जि जिस जिस एरिया को इनके पानी से बेनिफिट हो रहा है वो वो एरिया ड्रेनेज बेसिन में आता है जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ गंगा रिवर सिस्टम गंगा रिवर सिस्टम आपका ड्रेनेज बेसिन जो गंगा रिवर सिस्टम का है वो है एम यूपी बिहार उत, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दीज एरिया वेस्ट बंगाल भी आता है तो ये जो एरिया है ये गंगा रिवर का ड्रेनेज बेसिन है जी आ, सर यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि एमपी क्यों गंगा रिवर के ड्रेनेज बेसिन में आता है अच्छा मैम मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि ड्रेनेज ए सिंगल रिवर सिस्टम, जी, जैसे कि चंबल हुँ, सिंध बेतवा केन ये जो रिवर्स है ये रिवर्स जाकर मिलती है यमुना में और यमुना फाइनली जाकर मिलती है गंगा में तो ये जो ट्रिब्यूटरीज है ट्रिब्यूटरीज की वजह से मध्य प्रदेश भी गंगा रिवर सिस्टम के बेसिन में आता है अब हम आगे एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो कि हमको बार बार चैप्टर में पढ़ने को आएगा वो है वाटर डिवाइड वाटर डिवाइड क्या होता है वाटर डिवाइड इज एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेटिंग टू ड्रेनेज देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते वाटर डिवाइड आपको दिख रहा है दो स्ट्रीम्स आपको दिख रही है स्ट्रीम ए एंड स्ट्रीम बी ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट है किस तरीके से सेपरेट है क्योंकि बीच में आपको कोई एक अपलैंड दिख रहा है ये अपलैंड एक माउंटेन हो सकता है ये अपलैंड कोई हाईलैंड हो सकता है कोई प्लेटी हो सकता है तो कोई भी ऐसा हाईलैंड कोई भी ऐसा जमीन का टुकड़ा या तो वो प्लेट ही हो सकता है प्लेन कोई एक माउंटेन भी हो सकता है कोई हिल भी हो सकती है जो दो रिवर सिस्टम्स को डिवाइड करता है इनके पानी को एक दूसरे से अलग करता है चलिए बिफोर अच्छा आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक रिवर डिवाइड बॉर्डर डिवाइड का एक एग्जाम्पल देता हूँ जैसे कि अम्बाला है अम्बाला जो कि पंजाब के आपको एक शहर मिलेगा अम्बाला जो है गंगा और

दैट इज हिमालयन रिवर्स और पेनिंसुलर रिवर देखिए आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हिमालय रिवर क्या होती है, है।, है। देखिए आपके स्क्रीन पे मैं कुछ ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको देखिए आपने आपके चैप्टर नंबर टू में देखा होगा पेनिसुला इंटर क्या होता है पेनसुला वो पार्ट है आ, आपके लैंड का जो कि तीन साइड से पानी से घेरा होता जैसे कि आपके इंडिया में सदर्न पार्ट जो है आपका जैसे कि स्टेट्स आपके कर्नाटका केरला तमिलनाडु ये जो स्टेट्स है ये लगभग लगभग आपके हर तरफ से पानी से घिरे हुए तो ये पूरा पार्ट है सदर्न इंडिया का जो पानी से घिरा हुआ है इसको हम बोलते हैं पेनिसुलर इंडिया इस एरिया में जो रिवर्स फ्लो कर करी उनको हम पेनिंसुलर रिवर बोलते हैं और हिमालय से जो रिवर निकलती है उनको हम बोलते हैं हिमालयन रिवर्स ठीक है अब मैं आपको दोनों को अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स में इनको दोनों को डिस्क्राइब करूंगा क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या क्या इनके फीचर्स है दोनों के अलग अलग फीचर्स है इसलिए हमने दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रखा जो जो है जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो फीचर है हिमालयन रिवर्स का दैट रिवर्स आर पेरेनियल अब पेरेनियल जो वर्ड है आपको नया नया सुनने में लग रहा होगा पेरेनियल मतलब सदाबहार इट मीन्स दैट दीज रिवर्स है थ्रू आउट द दर रीजन देखिए बरसात के समय में रेनी सीज़न में आपको डेफिनेटली आप ओबियस है कि रेनी सीजन में बारिश का जो पानी आता है वो रिवर्स में फ्लो करता है और रिवर का जो इकोलॉजिकल फ्लो है वो मेंटेन रहता है लेकिन गर्मी में हिमालय पे जो आपको पता होगा कि हिमालय पे स्नोफॉल होता है ग्लेशियर से यहाँ ग्लेशियर्स टेम्परेचर की वजह से पिघलते और रिवर सिस्टम को पानी प्रोवाइड करते हैं ये आपको दोनों सीजन में तीनों चारों सीजन में आपको पानी मिलता है आपको रेनी सीजन में बारिश से पानी मिल रहा है वाकई सीजन में आपको जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, उससे पानी मिल रहा है दूसरा दीज रिवर्स और लॉन्ग कोर्स ये रिवर्स काफी लंबी होती है काफी लंबी होने का कारण ये क्योंकि हम पेनसूला की बात करेंगे नीचे जाके छोटा हो जाता है लेकिन ऊपर के बात करेंगे, बात करेंगे हम जब बात करते हैं हिमालय हिमालय लगभग लगभग लग 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 आपका देखते हैं आप चौबीस किलोमीटर लंबा है आप इंड इंडस गौज से लेके ब्रह्मपुत्र गौज तक चौबीस किलोमीटर लंबा है नीचे का जो एरिया है आपका नदन प्लेन जो कि आपने चैप्टर टू में देखा होगा नदन प्लेन क्या होता है ये भी लगभग लगभग इतना ही लंबा चौड़ा है तो ये रिवर्स को काफी एरिया मिलता है फ्लो करने के लिए और फाइनली जाके ये सी में मिल जाती है जी। आ, इंडस रिवर जो है वो आपकी अरेबियन सी में मिलती है और बाकी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है आपकी ऑफ बंगाल में मिलती है दे फर, आ, दीज रिवर्स परफॉर्म इरोजनल एक्टिविटी एंड फॉर्म मी देखिए ये रिवर्स क्या है आपके माउंटेन से आ रही है माउंटेन पे स्लोप होती है

तो ये जो यही है। है? अब ये क्यों करती क्योंकि इरोजन की वजह से एक तो ये रोड करती है साथ में इरोजन जो अपने साथ में जो मटेरियल लेके आती है उसको डिपोजिट भी करती है, जी। इसी से ये बनाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि रिवर्स फॉर्म गौजस। गौजस क्या होते हैं देखिए दो माउंटेन दो माउंटेन के बीच में एक सकड़ा सा रास्ता होता है रिवर के निकलने के लिए पानी के बहने के लिए वो जो एरिया होता है उसको हम बोलते गौज समझ रहे हैं आप जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके फिर से दिखाता हूं कि एक माउंटेन है बगल में दूसरा माउंटेन है इसके बीच में जो रिवर फ्लो करने का ये जो ये छोटा सा एरिया है इसमें रिवर फ्लो कर रही है ये जो फ्लो कर रही है इसको हम गौज बोलते हैं जनरली जो माउंटेन का जो होता है ये इतना ज्यादा स्लोप नहीं होता है बहुत कम स्लोप होता है स्ट्रेट होता है स्लोप ठीक है तो ये जो, ये जो गौज जो बना रही है ये जनरली हिमालयन रिवर्स बना लिया पेनसुलर रिवर्स ये गौज फॉर्म नहीं करती जो हिमालयन रिवर्स दीज रिवर फॉर्म डेल्टास डेल्टास क्या होते हैं जब रिवर अपने साथ में काफ़ी मटेरियल लेके आएगी मैंने बताया जो इरोड करती है इरोड में साथ में सल्ट सैंड इस तरह के मटेरियल अपने साथ में लेके जाती है जब ये जब ये स्लोप से आती है तो तो पानी की आ, रफ्तार जो होती है स्पीड होती है वो काफ़ी तेज होती है तो वो साथ में बहकर लेके आएगी जब ये प्लेन एरिया में आती है तो इसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है फाइनली जब ये ओशन के पास में पहुंचती है तो इसकी स्पीड और ज़्यादा स्लो हो जाती है और जब ओशन में मिलते हैं ये तो वो जो अपने साथ में जो सेडिमेंट्स लेके आते हैं वो ओशन के पास में डिपोजिट कर देते और इसी को हम बोलते डेल्टास ठीक है अब बात करेंगे हम पे रिवर्स की पेनिस्लर रिवर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि दीज रिवर्स आर सीजनल ये सीजनल रिवर्स है दीज रिवर्स आर नॉट पेनसुलर दीज रिवर्स नॉट नॉट ये सीजनल रिवर इनमें बारिश के समय में पानी होता है मोस्टली बाकी सीजन में भी पानी होता है कुछ बड़ी रिवर्स है जैसे कि कृष्णा नर्मदा कावेरी ये ये मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए रिवर्स की पेनसुलू रिवर्स की एग्जाम्पल है इन रिवर्स में बाकी सीजन में भी पानी होता है लेकिन कंपेरेटिवली बारिश के सीजन में और दूसरी सीजन में पानी की कमी जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है दूसरा हम बात करेंगे दीज रिवर्स है कंपेरेटिवली शॉर्ट कोर्स छोटा ज्यादा लंबी ये रिवर्स बहती नहीं मैंने आपको रीजन बताया कि पेनेंसुलर जो इंडिया है वो नीचे जाके छोटा हो जाता है हम देखते हैं कन्याकुमारी के पास जाके एकदम पॉइंट बन जाता है तो ये छोटे होने की वजह से इनको ज्यादा एक एरिया नहीं मिलता है फ्लो होने का और ये इनका जो कोर्स ऑफ फ्लो होता है ये छोटा होता है डे डू नॉट परफॉर्म इरोजनल एक्टिविटी देखिए इरोजन का रीजन क्या था कि वाटर का फ्लो जो है वो काफी तेज होना अब यहां पे जैसे कि ग्रेडियंट नहीं है स्लोप नहीं है तो वाटर स्लो फॉल करेगा स्लो फ्लो करेगा जी। दूसरा एक और रीजन है कि ये रिवर्स जो है जितना इनको इरोजन करना था वो कर चुकी अभी है अभी रिवर काफी मेच्योर है अब ये इरोजन नहीं करती साथ में पेनसुलर जो है वो प्लेट्यू है जी। प्लेट्यू पे इरोड करना कंपेरेटिवली प्लेन्स के मुकाबले आसान नहीं होता है ओके मोस्ट ऑफ द पेनिस्लर रिवर्स आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इट मीनस दैट दे फ्लो फ्रॉम वेस्ट दे फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ओके समझ रहे आप बात को वेस्ट टू ईस्ट क्योंकि क्या होता है पेनिनसुला आपने पढ़ा होगा कि पेनिनसुला पार्ट जो है इंडिया का सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा वो वेस्ट से ऊंचा है और ईस्ट से नीचा ग्रेड है उसका स्लोप जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है दैट्स व्हाई फ्लो ईस्ट और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कृष्णा कावेरी ये रिवर्स जो है गोदावरी महानदी ये रिवर्स आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि नर्मदा एंड ताप्ती ये रिवर्स जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है साथ में आ, ये रिवर्स जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है साथ में एक और चीज है कुछ रिवर्स है जैसे कि की लूनी साबरमती साबर माही दीज रिवर्स इनमें से कुछ रिवर्स जो है वो एंड एंड ओशन में भी एंड नहीं करती वो पहले ही ड्राई हो जाती है okay, दीज रिवर्स फॉर्म एश्यूरीज। जी एश्यूरीज बनाती अब एश्यूरी आपको कुछ सुनने में कुछ नया सा लग रहा होगा बिल्कुल बिल्कुल मैं जानना चाहूंगी एस्टोरीज क्या होती हैं मैम एस्यूरिज एक्चुअल में बच्चों को हम बताना चाहूंगी कि डेल्टा मैंने आपको बताया कि जब इरोजन होता है तो समुद्र के पास में जाके अपना सेडिमेंट छोड़ देती है लेकिन जो सदन रिवर से जो पेनेंसुलर रिवर से ये इरोजन नहीं कर रही है अभी अगर इरोजन नहीं कर रही है तो जाके समुद्र में तो मिलेगी तो जब ये समुद्र में मिलती है तो हम देखते कि एक कनेक्शन है सी वाटर का ओशन वाटर का और जो रिवर का वाटर है ये जाके वहां पर मिलता है और ये जो क्लियर हमको जो इनका आ, वो मिला जो दिखता है हमको संगम जो इनको दिखता है हमको वो क्लियर दिखता है जी। water, water, और आपको जो फ्रेश वॉटर रिवर्स आता है उस जगह को हम बोलते हैं ऐश्वर्य जी बिल्कुल सर so, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करें कि हिमालयन रिवर्स क्या होती हैं प्लीज़ थोड़ा उन्हें डिस्क्राइब कर दें अच्छा मैं आपको कुछ आ, रिवर्स के एग्जांपल देता हूँ हिमालयन रिवर्स के देखिए बड़ी बड़ी हिमालयन रिवर्स को हम डिस्कस करेंगे आपके आ, जो सिलेबस है उसमें भी बड़ी बड़ी रिवर्स को डिस्क्राइब कर रहा था आपने भी सुना होगा बड़ी बड़ी रिवर्स का नाम जिसमें से सबसे ज़्यादा बड़ी और सबसे ज़्यादा जिसको हम हमारे हम अपने आप आपके घर वालों से भी पूछते होगे तो उनको याद होगा सबसे बड़ी रिवर का नाम और सबसे ज्यादा कॉमन रिवर जो हर घर में लोगों को पता होता है वो होता है गंगा रिवर जी। तो गंगा रिवर के बारे में हम बात करेंगे तो गंगा रिवर के बारे में बात नहीं करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे गंगा विद इट्स ट्रिब्यूटरीज अच्छा गंगा रिवर की बात करें गंगा रिवर स्टार्ट फ्रॉम गंगोत्री गंगोत्री इज अ ग्लेशियर इन द उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे मेरे पास इंडिया का मैप है इसमें मैं आपको बताता हूँ कि गंगोत्री से कैसे स्टार्ट करती गंगा रिवर और किस तरीके से फ्लो करके जाती है देखिए आप यहां कहीं पे एक पार्ट उसका ऑफ बंगाल में चला जाता है जिसको हम हुगली नाम से जानते है। जहां पे कैलकाटा जो सिटी है आपकी वो हुगली रिवर के किनारे पर दूसरा पार्ट जो है बांग्लादेश में आ जाता है बांग्लादेश में इसका नाम गंगा रिवर का नाम कुछ अलग है बांग्लादेश में इसको बांग्लादेश में इसको पदमा नाम से जानते हैं ओके देखिए रिवर्स के हर जगह पे अलग अलग नाम हो सकते हैं हैं नेम हो सकते देखिए बांग्लादेश में जाके इसका नाम पदमा हो जाता है ये यह यहां से स्टार्ट करिए इसको हम बोलते गंगोत्री ग्लेशियर अच्छा अब हम बात करते हैं जब गंगा स्टार्ट होती है तो गंगा गंगा रिवर के नाम से स्टार्ट नहीं होती गंगा स्टार्ट होती है भागीरथी और अलकनंदा रिवर से भागीरथी और अलकनंदा दोनों रिवर्स देव प्रयाग पे जाके मिलते और गंगा बनाते जी। अच्छा आपने देव प्रयाग का नाम सुना है बिल्कुल ये उत्तराखंड में है देव प्रयाग पांचवा प्रयाग है इसके पहले चार और प्रयाग आते ओके। चार और प्रयाग आते हैं जैसे कि पहला प्रयाग जो है मैं आपको बताता हूं इस तरीके से कुछ रिवर फ्लो करती ये जो मेन रिवर है ये है अलकनंदा पहला प्रयाग आता है विष्णु प्रयाग विष्णु प्रयाग पर आपको यहां पर विष्णु प्रयाग पर विष्णु गंगा नाम की रिवर यहां पर इसको मिलती है इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं आपकी बुक में या आप इनके अलग नाम भी सुन सकते हैं फिर आपके आगे आता है नंद प्रयाग नंद प्रयाग पर आकर अलकनंदा नंदा से नंदाकनी रिवर मिलती है फिर आगे आता है कर्ण प्रयाग कर्ण प्रयाग पर अलकनंदा रिवर से अलकनंदा रिवर चलती रही है कंटिन्यूस कर्ण प्रयाग पर आकर यहां से उसको पिंडर रिवर मिलती है अच्छा कर्ण प्रयाग आपने कर्ण का नाम सुना होगा माइथोलॉजिकल आपने महाभारत में कर्ण का नाम सुना होगा ये कर्ण प्रयाग वही जगह है जहां पर कर्ण ने सूर्यदेव को प्रसन्न कर कर उनसे कुछ वरदान लिए थे okay. इसीलिए इसका नाम कर्ण प्रयाग दिया गया उसके आगे आता है रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग पर यहां से मंदाकिनी रिवर अलकनंदा रिवर सर मिलती है एंड लास्ट में आता है आपका देवप्रयाग। जी देवप्रयाग जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर भागीरथी रिवर मिलती है जी सर मैंने भी पहली बार जाना कि पांच प्रयाग हैं तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि प्रयागराज जो है क्या वो है, वो क्या वो वो इससे डिफरेंट है 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 डिफरेंस 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 या फिर कोई नहीं है? नहीं मैम बिल्कुल एक्चुअली प्रयाग वर्ड जो है हुँ? इसका मतलब होता है इसका लो लिटरल मिलेंगे वो एक कॉन्फ्लुस ऑफ रिवर्स ओके नदियों का संगम जी यहाँ पर नदियां मिल रही है जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कोई ना कोई नदी एक नदी से दूसरी नदी मिल रही है दैट्स वाई हम उसको प्रयाग बोलते हैं इसको आप जैसे कि

बिकॉज वाटर इज़ द मोस्ट नीडिड एलिमेंट दैट वी नीड टू लिव वॉट ड्रिंकिंग फॉर वॉशिंग क्लॉस एंड फॉर इरीगेशन एंड ऑल देखिए ये जो रिवर है ये स्टार्ट होती है तिब्बत से तिब्बत जो आपको पता है कि हमारे जो नदर इंडिया है नदर इंडिया के बाद हिमालय के पार हमको तिब्बत मिलता है तो तिब्बत में यहाँ पर मानसरोवर ग्लेशियर या मानसरोवर लेक से ये रिवर निकलती है ये रिवर यहाँ से जम्मू कश्मीर में फ्लो होती है फिर जाके पाकिस्तान में एंटर करती है एंड फाइनली अरेबियन सी में इसका अरेबियन सी में मिल जाती है आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं? जैसे कहाँ से किस तरीके से इंडस जो है मानसरोवर लेक से निकलती है फिर यहाँ पे जब ये मानसरोवर से निकलती है तो मैंने आपको बताया कि ये जम्मू कश्मीर से फ्लो होके जाती है जम्मू कश्मीर की मोस्टली लेह डिस्ट्रिक्ट से ठीक है फिर ये जाके पाकिस्तान में मिल जाती है तिब्बत में इसका नाम अलग है तिब्बत में इसको सिंगी हम नाम से जानते हैं जी देखिए मैंने आपको बताया कि हर जगह पे नाम अलग अलग हो सकता है तो तिब्बत में इंडस रिवर को ही सिंगी खम्बन नाम से जान जानते हैं सिंगम खम्बन मतलब लायंस माउथ इसका लिटरल मीनिंग है लायंस माउथ तिब्बत की हम ट्रिब्यूटरी इंडस की हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो है झेलम चिनाब रावी ब्यास एंड सतलुज और सतलुज जो है इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है देखिए इसका कुछ रिवर्स जो इंडिया में फ्लो करती है कुछ रिवर्स पाकिस्तान में फ्लो करती है इसका जो 35 परसेंट ड्रेनेज बेसिन है वो आता है इंडिया में 35 परसेंट ड्रेनेज बेसिन जो आता है इंडिया में आता है अब देखिए कि आप अब मुझसे पूछेंगे कि सर ये इंडिया में भी फ्लो करती है पाकिस्तान में भी फ्लो करती है लेकिन इसका पानी किस तरीके से डिवाइड हुआ होगा क्या ये कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न रहा होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो बिल्कुल रहा होगा कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न रहा होगा जैसे कि हमारे स्टेट्स में भी होता है जो कोई सी भी रिवर अगर दो स्टेट से फ्लो करके जा रही है तो दोनों दोनों स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है जी सिमिलरली इस कॉन्फ्लिक्ट को तो करने के लिए हमने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड दिस ट्रीटी रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ वाटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जी अच्छा लेट वी मूव टू नेक्स्ट रिवर दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर एंड वन ऑफ द मोस्ट नोन टू बी रिवर दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर जी बिल्कुल देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर भी सेम ही सोर्स से स्टार्ट होती जैसे कि 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 मैंने आपको पहले बताया था इंडस इंडस रिवर 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 मानसरोवर मानसरोवर लेक लेक से से निकलती ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र भी लेक के पास पास ही इसका सोर्स है है जी, जी सर हमारे टाइम बहुत बहुत कम इसलिए मैं वेरी क्विकली जल्दी से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूं कि जब इंडस रिवर और लेकिन रीजन वही स्टार्ट में वॉटर डिवाइड यहां पर कोई भी एक अपलैंड होगा या फिर कैलाश माउंटेन रेंज है तो उस रेंज की वजह से दोनों तरफ वॉटर का फ्लो होता है वो अगर बीच में हाईलैंड आ गए तो वॉटर एक रिवर दूसरी तरफ वॉर्डर लेके जा रही है दूसरी रिवर दूसरी तरफ वॉर्डर लेके जा रही है जी सो सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी और uh, जोग्राफी विषय के अंतर्गत आज जो हमने ड्रेनेज के बारे में पढ़ा आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स हमारे स्टूडेंट्स को से काफ़ी इंपॉटेंट इंफॉमेशन मिल गई होगी थैंक यू सो मच सर आप यहाँ आए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो so, व्यूवर्स मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अब से कुछ ही देर में आप जुड़ेंगे हमारे साथ दूसरे सेशन के लिए लेकिन इससे पहले आप प्लीज़ ज़रूर जानें कि एन की टेक्स्ट बुक्स अब पूरी कंट्री में अवेलेबल है ऑप और आप उन्हें हमारे डिफरेंट सेल्स काउंटर से परचेज़ कर सकते हैं जो है न्यू डेली कोलकाता गुवाहाटी अहमदाबाद और बेंगलुरु में साथ ही साथ आप ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं इसके अलावा आप इन बुक्स के पी टी भी डाउनलोड कर सकते हैं आप दीक्षा ऐप से ई e पाठशाला और एन वेबसाइट से और अब हम आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में आप जुड़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में जिसका टॉपिक है लिवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर स्कूल एंड टीचर एजुकेशन और इस सेशन को मैं यहीं पर रैपअप करती हूँ नमस्कार